296 चुने हुए लोग, लगभग 3 साल का समय, 12 सत्र, 167 बैठकें और बनकर तैयार हुआ भारत का संविधान। इतिहास में पहली बार धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा में बटा ये देश एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बना। भारत का संविधान देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम करता है। संविधान महज एक किताब नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान देश के सभी नागरिकों में समानता स्थापित करता है। संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले यही लिखा है कि हम भारतीय लोग यानी संविधान जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी को समान रूप से देखता है। संविधान के अभाव में लोकतंत्र की कल्पना तक करना मुश्किल है। आज संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। यही वजह है कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे बना भारत का संविधान और हमारे जीवन में संविधान का क्या महत्व है। संविधान वो ग्रंथ है जो सरकार, प्रशासन और देश में व्यवस्था बनाए रखने वाले सभी अंगों को कामकाज की शक्ति देता है। देश कैसे चलेगा, सरकार कैसे काम करेगी, व्यवस्था को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, ये सारा कुछ संविधान से तय होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश में जो कुछ होगा संविधान के मुताबिक होगा। देश के भविष्य का निर्माण करने वाले महापुरुषों ने अंग्रेजों की गुलामी की जंजीर को तो तोड़ दिया था। इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती थी कि देश को कैसे चलाया जाए। हमारे देश के संविधान निर्माता कानून के जानकार थे। उन्होंने भारत के संविधान के जरिए शासन व्यवस्था के नियम तय किए थे। इसके लिए सबसे पहले 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। इस संविधान सभा में सबसे पहले 389 सदस्य थे जो विभाजन के बाद 296 हो गए। ये सभी सदस्य देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संवैधानिक सलाहकार बीएन राव थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान के कई ड्राफ्ट तैयार किए। इसके ड्राफ्ट पर चर्चा हुई। लगभग 1 साल तक संविधान निर्माताओं ने एक एक ड्राफ्ट पर विस्तार से चर्चा की। इस चर्चा में ये तय किया गया कि संविधान में क्या रखना और क्या नहीं रखना है, इसके किस भाग में बदलाव की जरूरत है। 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसके ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया और 26 जनवरी 1950 को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान देश में पूरी तरह लागू हो गया और तब से अब तक इसके प्रावधानों के तहत ही देश चल रहा है।